नमस्कार, मैं ममता नेगी और आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया पर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम से होते हुए नारायण बगर क्षेत्र में आई आपदा को आज 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आपदा के जख्म आज भी हरे हैं। बाढ़ सुरक्षा के नाम पर पिंडर नदी के दोनों किनारों पर होने वाले कार्य आधे अधूरे हैं। नारायण बगर बाजार पर खतरा बना हुआ है, जरा सी बारिश आने पर सहम जाते हैं लोग। केदारनाथ के 16-17 जून 2013 के महाप्रलय के बाद लोग आज भी केदारनाथ में खोज रहे हैं प्राचीनता की निशानियां। ये खोज परंपराओं को याद करने की भी है और इस बात की कोशिश भी है कि आधुनिकता में पारंपरिक ज्ञान को भी शामिल किया जाए। उत्तराखंड में आज आए कोरोना के 67 नए मामले। 3 बजे आई हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 10 कोरोना पॉजिटिव अल्मोड़ा से, 5 देहरादून से, 8 हरिद्वार से, 2 नैनीताल से, 2 पौड़ी से, पिथौरागढ़ से 7, टिहरी से 14, 7 उधम सिंह नगर से और 4 उत्तरकाशी से आए सामने, जिसके बाद राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 1912। वहीं इस वायरस से 25 लोगों की हुई मौत। आज हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती 56 वर्षीय महिला की कोरोना से हुई मौत। महिला अल्मोड़ा की रहने वाली थी और 26 मई को दिल्ली से लौटी थी। 10 जून से अस्पताल में थी भर्ती। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती 6 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हालत गंभीर। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। हल्द्वानी मंडी से आउटसोर्स कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में सरकार का फूका पुतला। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने दिए संकेत। फिलहाल उत्तराखंड में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के तहत रोडवेज बसों का नहीं होगा संचालन। पहले से ही घाटे की मार झेल रही परिवहन निगम सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ईंधन का खर्चा भी नहीं निकाल पाएगी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास और पलायन आयोग की हुई बैठक। उधम सिंह नगर में भाजपा नेता और खनन कारोबारी गुरविंदर सिंह किंता को मारने आए पंजाब के 4 और 3 स्थानीय शूटरों को बाजपुर पुलिस ने पकड़ा। 6 साल बाद HMB मेडिकल विश्वविद्यालय को मिला अपना कैंपस। अभी तक दून मेडिकल कॉलेज में चल रहा था विश्वविद्यालय का परिसर, अब सेंट्रल होपटाउन स्थित 18 एकड़ की भूमि में चलेगा विश्वविद्यालय। कुलपति बोले 100 बेड का अस्पताल और नए कोर्स करेंगे शुरू। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की पहल पर Amazon प्राइम हुआ तैयार, प्रोडक्ट बेच सकेंगे उद्योग। इससे उत्तराखंड के उद्योगों को हो सकता है काफी फायदा। इसके साथ ही IAU ने बिजनेस प्लेटफॉर्म किया तैयार, जिसके माध्यम से राज्य के उद्योग अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकेंगे। रुड़की में जिला सहकारी समिति के कर्मचारियों से दिन दहाड़े तमंचे के बल पर 22 लाख की लूट। लूट करने वाले झबरेड़ा सहकारी समिति के ही कर्मचारी थे। पुलिस ने 2 आरोपी अशोक कुमार और सनी चौधरी को कर लिया है गिरफ्तार, जबकि 1 आरोपी अभी भी फरार। कैबिनेट मंत्री यशपाल महाराज के घर पर काम करने वाले माली की मौत। 70 साल की उम्र के माली 10 जून को कोरोना का इलाज करवाकर घर वापस लौटे थे। पिथौरागढ़ के मूनाकोट में युवक की गोली लगने से मौत। युवक दिल्ली से पिथौरागढ़ लौटा था, 3 दिन पहले ही क्वारंटीन पूरा कर घर पहुंचा था। देहरादून में सरकारी इंटर कॉलेज की महिला प्रवक्ता ने की खुदकुशी, फंदे से लटका मिला शव। आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग का अनुमान, इस महीने के आखिरी तक राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हो सकती है 3,500 से ज्यादा। रामनगर में आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा युवक आया 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में, करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर युद्ध स्तर पर चल रहा है ऑल वेदर रोड का निर्माण, प्रोजेक्ट समय से पूरा होने की उम्मीद। काशीपुर IIM से बिजनेस में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले उत्कल एप्पल को ग्लोबल पहचान दिलाने में जुटे। पहाड़ की महिलाओं को भी मिल रहा है रोजगार। भाजपा कार्यकर्ताओं ने संकल्प पत्र के जरिए सरकार की उपलब्धियां बताई। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट reportsindia.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही रिपोर्ट्स इंडिया को सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं।